उदाहरण इस प्रकार है कि मान लीजिए कि एक यात्रिक चर है जिसके कि तीन मानों जो कि ऋण एक शून्य और एक या धन एक हैं में से कोई भी एक मान लेने की प्रायिकताएं निम्न प्रकार हैं जैसे कि उसकी ऋण एक मान लेने की प्रायिकता दशमलव दो है उसके शून्य मान लेने की यात्रिक चर के शून्य मान लेने की प्रायिकता दशमलव पाँच है और याचिक चर के एक मान लेने की प्रायिकता दशमलव तीन है तो हमें गणना करनी है इस प्रायिकता की जो कि यात्रिक चर के वर्ग की अपेक्षा या औसत की प्रायिकता का मान निकालना है तो इस प्रश्न में यह पूर्व के प्रश्न से थोड़ा क्लिष्ट है वो क्लिष्ट यह है कि हमें यहाँ पर याचिक चर के प्रायिकता द्रव्यमान तो दिया हुआ है लेकिन हमें सीधा सीधा प्रायिकता नहीं निकालनी है जबकि हमको प्रायिकता वर्ग जो याद शिक्षण के वर्ग की प्रायिकता निकालनी है तो देखें इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दो विधियाँ हैं आइए एक एक करके उन्हें देखें कि कैसे उनका इस्तेमाल था करके ये प्रायिकता की गणना की जा सकती है तो पहला तो यह है कि हम ये मान लें कि जो हमें प्रश्न दिया है कि हमें प्रायिकता अपेक्षा निकालनी है या अवसर निकालना है याद चर के वर्ग का सो या द्वितीय घात का तो हम ये मान लें कि वह एक नया याद शिक्षर जैसा कि हम वाई से दर्शाते हैं तो अब आप देखेंगे कि चूँकि एक असतत याद शिक्षर है वो केवल तीन मान ही लेता है जैसा कि प्रश्न में दिया है लेकिन यह जो संबंध है y और x के बीच में उससे ये हमको पता चलता है कि y अब केवल दो ही मान ले सकता है वह मान होगा शून्य या एक क्योंकि जब भी मूल याद का मा मान एक या ऋण एक होगा तो चूँकि ये द्वितीय घा इसका का वर्ग है तो इसलिए y का मान हमेशा एक ही रहेगा तो अतः हम ये देख सकते हैं कि कुल संभावनाएं और कुल मान लेने की संभावनाएं y की एक कम है अपने मूल याधिक्षर से तो इस तथ्य का इस्तेमाल करके हम इच्छित प्रायिकता की गणना निम्न प्रकार से करते हैं पहला तरीका यह है कि हम नए चर का प्रायिकता द्रव्यमान फलन का ही गणन कर लें क्योंकि यह एक सैद्धांतिक तरीका है जब भी कोई हमें एक चर दिया है अगर हमें इसे प्रायिकता दरमान फलन की गणना कर ली तो एक तरह से हमने उस चर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली तो इसकी इसका इस्तेमाल करते हुए हम कोई भी गणना कर सकते हैं याचिक्षर के किसी फलन की तो अब आप देख ही सकते हैं पूर्व में जैसा कि हमने यह बोला कि नया याचिक्षर वाई के जीरो मान लेना सीधे सीधे संबंधित है मूल याचिक्क्षर एक्स के शून्य मान लेने से अतः इस दोनों की प्रायिकता बराबर होगी और उसका मान दशमलव पाँच होगा इसी तरह अगर हम यह देखें कि चर वाई के एक मान लेने की प्रायिकता क्या होगी तो यह प्रायिकता होगी उन दो प्रायिकताओं के योग के बराबर जबकि मूल याचिक का मान या तो ऋणेक है या धनेक है तो इन दोनों प्रायिकताओं को हम योग कर देते हैं और देखते हैं कि यह भी प्रायिकता इस दशा में दशमलव पाँच आती है चूंकि यह दोनों प्रायिकताओं का मान दशमलव दो और दशमलव तीन जैसा कि प्रश्न में दिया है अतः यह इनका योग दशमलव पाँच आता है तो अब हमने देखा कि नया याद शिक्षा के दो मान लेता है और दो मानों को लेने की उसकी प्रायिकता दशमलव पाँच और दशमलव पाँच है दोनों बराबर है तो हम निकाल सकते हैं इच्छित प्रायिकता जो कि अब होगी औसत या अपेक्षा नए वाई की जिसको कि हम निकाल सकते हैं अपेक्षा निकालने के लिए उस याद शिक्षक के लिए हुए मानों का भरित योग निकालना है उनकी प्रायिकताओं के तो प्रायिकता का मान हमें दिया है दशमलव पाँच दोनों के, के दशाओं में तो इन इनको उनके मानों से गुणन करके योग करने पर यह प्रायिकता दशमलव पाँच के रूप में प्राप्त होती है तो यह तो हो गया इसका एक सैद्धांतिक तरीका एक अन्य तरीके से भी इस प्रायिकता को गणना कर सकते हैं जब हम को यह न माने कि यह एक नया यादशिक्षर है और उसके मानों की अनुमान निकालें यह एक छोटा प्रश्न है क्योंकि इसके केवल तीन ही मान ले रहा है हमारा मूल याचिक्षर तो यह आसान सा प्रतीत होता है लेकिन अगर हम इस तरीके को इस्तेमाल करें कि याचिक्षर के किसी फलन कोई भी फलन या चिक्चर का उसके औसत की गणना हम बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर उस या के फलन का मान या चिक्चर के सारी मानों के लिए हम गणना करें और उसे भरित करें या चिक्षर के उन मानों को लेने की प्रायता होंगे और उन सारी प्रायिकताओं का योग वह औसत या अपेक्षा हमें दे देगा उस फलन के बारे में तो यह सिद्धांत दोनों ही विधियां लगभग एक ही चीज की ओर इंगित कर रही हैं यह तरीका केवल अलग अलग है एक सैद्धांतिक तरीका है कि हम जब एक फंक्शन एक अगर हमें एक्स का कोई फलन दिया है तो उस फलन से की पहले संभावनाओं की गणना करें और दूसरे में हम हम नया प्रायिकता दरमान नहीं गणित कर रहे हैं हम पूर्व प्रायिकता दरमान का इस्तेमाल करते हुए हम याद शिक्षक के फलन के मान को याद शिक्षक के विभिन्न मानों को निकालने की गणना का औसत निकालते हैं तो यह औसत आप देख सकते हैं कि याचिक सर जो दिया है हमें एक्स वह तीन मान लेगा ऋण एक शून्य और धन एक तो उन्हें परस्पर चूँकि यह जो हमें फलन दिया है वह एक वर्ग निकालना है उसका तो हमने उन मानों का वर्ग निकाल लिया और उसको गुणित कर दिया उन मानों की प्रायिकताओं से या प्रायिकता द्रव्यमान के मान से और उनका योग निकाल के भी आप देख सकते हैं कि यह प्रायिकता पुनः दशमलव पाँच आ गई तो यह दो तरीके हो गए हम ये किसी या की किसी फलन की हमें प्रायिकता निकाल